पिछले दिनों राजधानी रांची के मेन रोड स्थित एक्सट्रीम बार एंड लाउंज में डीजे संदीप परमानिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार तलाशी अभियान भी चला रही है। घटना के 15 घंटे के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को बिहार के गया से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो रांची के सेल सिटी में रहता है और गैराज का संचालन करता है। पुलिस के मुताबिक युवक मूल रूप से पट्टा का रहने वाला है। देखिए, जब घटने की सूचना मिली है तो एक्सट्रीम बार पुलिस की टीम गई और सबसे बड़ी समस्या इस कांड में यह था कि घटना मध्य रात्रि में घटी थी और वहाँ पर उस समय जब पुलिस की टीम पहुँची तो कोई विटनेस वहाँ पर मौजूद नहीं था। हमारे पास कोई सूत्र नहीं था, उसमें कोई CCTV फुटेज अविलंब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और रांची पुलिस का एक एक पदाधिकारी बहुत कड़ी मेहनत करके सूत्र को तलाशा, सूत्र को तराशा और उसने पता किया कि इसमें कौन कौन लोग उस समय आए थे, किस क्यों घटना आरंभ हुई और बाउंसर के मारपीट से लेकर कड़ी को जोड़ते हुए लोग पहुंचे और अंततः पता चला कि इस घटना को कारित करने वाले एक अभिषेक सिंह नाम का आदमी है। जब उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो घर से फरार है। उसके बाद पुलिस ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके हजारीबाग पुलिस को और गया पुलिस से इनपुट शेयर किया, क्योंकि उसके भागने की दिशा उधर ही थी और अल्टीमेटली चौतरफा घेराबंदी करके रांची पुलिस ने गया के अलीपुर थाने क्षेत्र से उसे पकड़ा है और पकड़ने के बाद अभी वहाँ से वो आएगा, तब हम लोग उसे फर्दर इंट्रोगेशन करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया इस बात का खुलासा हो गया कि घटना उसके द्वारा की गई। क्या बैकग्राउंड रहा है अभिषेक सिंह? अभिषेक सिंह ऐसे एक बिजनेसमैन है जो कोका कोला का बिजनेस करता है, एजेंसी लिए हुआ है और इसके अलावा ITC के सिगरेट्स की एजेंसी लिए हुआ है। उसके गोडाउंस वगैरह हैं, जो दो गाड़ियाँ उसके पास है, एक ब्रेजा है और एक इग्निस है और वो दोनों गाड़ी पुलिस ने जब्त किया। ब्रेजा में रांची में ही मिल गया और इग्निस जिससे वो भाग रहा था उसको हम लोगों ने जो है हजारीबाग के चौपारण से पकड़ा है, लेकिन वो गाड़ियां बदल बदल के जा रहा था और जो एक और गाड़ी उसने स्कॉर्पियो यू की थी वो गया में जाकर पकड़ा गया है। सर, ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से ये घटना घटी और वो आवेश? देखिए, अभी तक जो है निष्कर्षता कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि बाउंसरों के साथ मारपीट के कारण जो अभिषेक और उसके मित्रगण थे वो आक्रोशित थे काफ़ी और उन्हें लगा कि हमारे साथ बाउंसरों ने काफ़ी मारपीट की है और इससे आक्रोशित होकर नशे की हालत में संभवतः उसने ये घटना की है। लेकिन अभी ये पूरा निष्कर्ष अभी कुछ भी देना उचित नहीं है।